अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 30.2, तीन सवाल एक ही साथ एक ही दफा में कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक एक पार्ट या दो पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी सारे आपने खुद करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपसे कहा है फाइंड थीटा इफ लेंथ और आपका रेडियस सवाल में गिवन है। अब आपके पास यहाँ पर लेंथ 20 सेंटीमीटर है और जो आपका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। सवाल में फर्स्ट पार्ट पे बात हो रही है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो डिस्टेंस ऑफ आप जो भी कवर कर रहे हैं सर्कल में, डिस्टेंस कवर्ड इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो अगर रेडियस के बराबर हो जाइए आपके, फॉर एग्जाम्पल रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसके पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हैं। अगर ये डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह तक, वो लेंथ, वो डिस्टेंस या वो लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, ये भी रेडियस है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो ये वैल्यू कहलाती है इसका एंगल 1 रेडियन। ये जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था कि 1 रेडियन क्या है, कि जब भी मेरे पास एंगल लेंथ अपॉन रेडियस और लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, तो रेडियस डिवाइड बाय रेडियस 1, ये वैल्यू आती है 1 रेडियन की। ये जो आपका एंगल है, बारे में तो थोड़ा अजीब ही बनाया है, लेकिन जब प्रॉपर समझाया था आपको, डायग्राम भी प्रॉपर बनाई थी। पॉइंट वॉज जहां से स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया, वो लेंथ रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल के बराबर अगर आ रही है, तो ये आपका डिस्टेंस जो भी होगा रेडियस के बराबर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 रेडियन। ये वैल्यू होती है 1 रेडियन के बराबर। एंगल आपको पता है इनिशियल लाइन और जो दूसरा आपके पास टर्मिनेटिंग लाइन या टर्मिनल लाइन, जो भी आपके टर्मिनल आपके पास पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल लाइन या इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के दरमियान जो आपके पास एक एंगल बन रहा है, उसे, वो जो एक डिस्टेंस बन रहा है उसे आप एंगल कहते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें हमने डिटेल में पहले पढ़ रखी हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाता है। जाहिर है रेडियन की डेरिवेशन से हमने ये कहा ना कि रेडियन कब होगा, जब आपका जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है कवर्ड बाय, जब आपकी लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट या मूविंग ऑब्जेक्ट कितना इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये वैल्यू कहलाती है 1 रेडियन। उसी फॉर्मूले में आपने रीअरेंज करके लेंथ निकाल ली, लेंथ कवर्ड बाय अ पॉइंट या बाय अ बॉडी, बाय अ मूविंग पॉइंट, जो भी कहें, लेंथ कवर्ड। अब यहां तो फिक्स नहीं है लेंथ, लेंथ आपकी रेडियस से ज्यादा भी हो सकती है, रेडियस से कम भी हो सकती है, तो जो भी आपके पास लेंथ कवर हो रही है वो आपके पास बराबर है रेडियस ऑफ दैट सर्कल मल्टीप्लाई बाय द एंगल क्रिएटेड बाय दैट पॉइंट। तो मेरे पास अगर कोई सर्कल है और कोई भी आपके पास ये लेंथ कवर कर रहा है सर्कल, यानी सर्कुलर पाथ में, तो आपके पास जितना भी रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ का और जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिहाज से आपका एंगल आ जाएगा। तो एक जर्नलाइज फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा में आपको यहां पर कहा है थीटा फाइंड करें। एक जर्नल फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, बस। अब इसी के अंदर हम आगे पीछे वैल्यूज करते रहेंगे। हमें दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी निकालनी है, लेंथ और रेडियस गिवन है, थीटा निकालना है। सिंपल वैल्यू पुट करें, आपने क्या किया, थीटा निकालना है, थीटा को इधर रखा और आर उधर भेज के डिवाइड कर दिया, थीटा को कहा बराबर है एल अपॉन आर, एक्चुअल जो डेरिवेशन थी आपकी वो आ गई। वैल्यू पुट करें, एल की जगह 20, आर की जगह 5, सिंप्लीफाई करें 4 रेडियंस आंसर आ गया। अब जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है फर्स्ट पार्ट, उसी तरीके से अब सेकंड पार्ट से ऑनवर्ड आपके होमवर्क है, उस पर अपनी किताब में जरा आ जाए। सेकंड पार्ट में क्या है, लेंथ आपके पास है 30.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका जो लेंथ है और रेडियस है, जिस तरह यहाँ पर गिवन था वैसे उधर भी गिवन है, यहाँ तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के बगैर हो गया, अब आपको कैलकुलेटर चाहिए, पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे। शर्त क्या है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर है तो उधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो इधर भी मीटर ही होगा, तो यूनिट सेम है, वैल्यू सिंप्लीफाई करें 15.1 रेडियंस आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बहरहाल
सोल्यूशन में आपको साथ साथ आंसर बता रहा हूँ, आप खुद इसको घर जाके करेंगे। थर्ड आपके पास है 6 सेंटीमीटर और रेडियस 2.87। तरीकेकार यही है, वैल्यू पुट करेंगे दोनों आपस में डिवाइड होंगी, लेंथ अपॉन रेडियस, सिंप्लीफाई करेंगे 2.09 रेडियंस आंसर आएगा। आंसर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, पॉइंट्स में आगे पीछे होंगे, या हो सकता है मेरे पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपका तरीका मेथड यही है। फोर्थ पार्ट है लेंथ और रेडियस गिवन है, आपने सिंप्लीफाई करना है, 1.8 रेडियंस इसका आंसर आएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सिंपल से सारे पार्ट्स हैं। मैंने एक आपको करना बता दिया, एक का प्रॉपर स्टेप्स प्रॉपर मेथड दिखा दिया, अब इसी तरीके से बकिया तीनों पार्ट जो रिमेनिंग है वो आपने खुद करने हैं। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड लेंथ इफ रेडियस एंड एंगल आर गिवन। तो आप लेंथ मालूम करेंगे, रेडियस और आपको एंगल गिवन है। सोल्यूशन की उसी तरीके से एडिंग फॉर्मूले का हवाला देंगे, क्योंकि लेंथ मालूम करनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सिंपल दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, आंसर आपके पास 2.121 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट का आंसर भी डायरेक्ट आएगा, लेंथ निकालनी है, रेडियस और एंगल दोनों गिवन है, रेडियस और आपका एंगल इन रेडियंस, तो 5.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, डायरेक्ट आपके पास 10.2 रेडियंस, 10.2 लेंथ आ जाएगी इन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में आपको लिखना है रेडियन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है, रेडियन यूनिट है एंगल की, बट इट इज अ यूनिट लेस, जैसा डिग्री इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ऑल्दो यूनिट कह सकते हैं, लेकिन जैसा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपकी लेंथ की सेंटीमीटर है, मेजरेबल है, लेकिन आपके पास जो एंगल है वो बकिया फिजिकल क्वांटिटी की तरह नहीं है। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास जो एंगल आएगा वो रेडियन में ही आएगा। यहाँ पर कोई भी गलती से डिग्री में कन्वर्ट ना करे, डिग्री में कन्वर्ट करने के कॉन्सेप्चुअल कन्वर्जन है, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर है, या आप कहें कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर है, जैसे भी आप इसको समझना चाहें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेडियन कब आएगा, डिग्री कब आएगा, रेवोल्यूशन कब आएगा। बहरहाल अभी जो आप काम कर रहे हैं उन सब में रेडियंस में आंसर आएगा, अब आपको आंसर निकालना है तो रेडियंस में निकालेंगे। यहाँ पर आपके पास आंसर रेडियन या जो क्वेश्चन है वो रेडियन में गिवन होना चाहिए, अगर रेडियन में गिवन होगा तो आप लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर यहाँ जिस तरह अभी मैं आगे कराऊंगा काम, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट डिग्री को वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं आंसर गलत आएगा। तो हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, कि जब लेंथ डिवाइड होगी अपने रेडियस से, जो भी लेंथ कवर्ड हुई है, तो आंसर एंगल का रेडियंस में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। तो इस वजह से जब भी आपके पास, अब थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ, थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पर रेडियस 6 गिवन है और एंगल डिग्रीज में गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास जो डिग्री में एंगल है उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कि एक सर्कल है उसके आपने 360 हिस्से कर दिए, एक पिज्जा लिया जैसा आप 8 नॉर्मल स्लाइस करते हैं, आपने उसके 360 हिस्से कर दिए, वो चखने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, आपके पास एक बोटी भी पूरी नहीं आई होगी। तो आपके पास यहाँ पर भी जो एंगल है वो आपके पास अगर उसके 360 हिस्से किए तो एक हिस्सा 1 डिग्री है, उस तरह के 30 हिस्से आपने कलेक्ट कर लिए तो 30 डिग्री आ गया। दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है रेडियन और डिग्री का, अभी यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों के दरमियान एक कोरिलेशन है, वो रिलेट करके आपको काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तरीका तो वही है, फॉर्मूले का वाला वही देंगे, सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, 30 डिग्री है इसको कन्वर्ट करना पीछे सीखा हुआ है, 30 को आप मल्टीप्लाई 1 डिग्री करते हैं, 1 डिग्री की जगह आप उसका जो रिलेशन है वो लिख देते हैं कि 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियंस के। और फिर उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर आप भेजेंगे, 6 × 30 180 होता है, 180 से 180 कैंसिल आ गया, पाई सेंटीमीटर आ गया, पाई 3.142 वैल्यू है। अगर यहाँ पर आंसर किताब में गिवन है यहाँ इसको हाईलाइट कर दें, अदरवाइज 3.142 ये वैल्यू आगे चलती रहेगी, हम यहाँ 2 तक स्टॉप कर देते हैं। तो बहरहाल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में अब आएगी, यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं 180 सेंटीमीटर लिखता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है इसमें जो यूनिट ऑफ एंगल है इट इज इन रेडियंस, तो मुझे यहाँ पर एंगल डिग्री के बजाय रेडियंस में रखना है, अगर रेवोल्यूशन में भी एंगल होता तो भी मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करता। ये क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं बकिया वो आपने खुद करने हैं, वो बकिया पार्ट्स अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट में कहा है कि आर यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर है,
और एंगल 60 डिग्री 30 मिनट्स है। ये मैं करवा नहीं रहा, ये आप खुद करेंगे। जिस तरह पीछे आपने पिछली एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना सीखा, आप इसको भी 60 डिग्री और 30 सेकंड को 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री 30 मिनट जब कन्वर्ट करेंगे, एंगल आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा 60.5 डिग्री बनेगा। और फिर उसके बाद आप इसको डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर। रेडियन में कैसे, जैसे यहाँ किया पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो बहरहाल आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ बराबर है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो आपके पास जो रेडियस है वो 15 गिवन है, एंगल आपने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। रेडियन में आपके पास जो एंगल आएगा वो 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, जो भी वैल्यू बनती है मुझे नहीं पता, कैलकुलेटर में पुट करें। लेंथ का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15.84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लाजमी है कि आप अपने एंगल को कन्वर्ट करें इन रेडियंस। अगर आप यहाँ पर डिग्री या रेवोल्यूशन में छोड़ देंगे तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सेकंड के भी मैंने जितने पार्ट से वो डिस्कस कर लिए। थर्ड में आपसे कहा है रेडियस फाइंड करना है इफ, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ, थीटा 60 डिग्री है और लेंथ 2 मीटर्स है। तो आपके पास एंगल डिग्रीज में गिवन है, लेंथ मीटर्स में गिवन है। अब यहाँ पर जो काम करेंगे आप, आपके पास सबसे पहले एंगल चेंज होगा। एंगल आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब मैं स्टेप मैंने पीछे बताया था कि ये वाले आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एंगल तो निकालना नहीं है, आगे आपको लेंथ तक जाना है, रेडियस तक जाना है। तो आपके पास यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टेप पीछे मैंने समझाए थे कि मिस कर सकते हैं, वो यहाँ पर अब आप स्किप कर लें। तो आपके पास 60 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, आपके पास पाई बाय 3 रेडियंस आ जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप है इसको कोई स्किप नहीं करेगा, ये लाजमी करना है। आप डायरेक्ट 60 को पाई बाय 3 नहीं लिखेंगे। ये कब करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साथ साथ पता चलता रहेगा, अभी आपके पास ये स्टेप लाजमी है। अब आपके पास एंगल आ गया पाई बाय 3 रेडियंस। कैसे आया, पिछली एक्सरसाइज में ये सारा काम कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है, एंगल को कन्वर्ट कर लिया इन रेडियंस, आपको रेडियस चाहिए। आपने फॉर्मूले का हवाला दिया, सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा है, तो रेडियस को वहां रखा, थीटा उधर भेज दिया, एल अपॉन थीटा। आपके पास आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, एल की वैल्यू मीटर्स में थी 2 मीटर्स, डिवाइड बाय थीटा आपने रखा पाई बाय 3। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पाई। अगर किसी को समझ नहीं आता तो एक स्टेप आप यहाँ पर बढ़ा लें, वो स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड बाय पाई बाय 3। अगले स्टेप में वही आंसर आपका जो यहाँ स्टेप में लिखा है वो आ जाएगा। तो ये अब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आगे चल के तो मैं ये स्टेप भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट कहूंगा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही है न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सारा कुछ 9 में सिखाया हुआ है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू डिवाइड हो रही है वो न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है और डिवाइड हो रहा है, ये न्यूमरेटर 2 है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये काम, अभी तो मैं हर सवाल में तकरीबन स्टेप्स प्रॉपर कर रहा हूँ, आगे चल के ये डायरेक्ट भी हो रहा होगा। तो बहरहाल आपके पास 6 अपॉन पाई, चाहे तो वो स्टेप लिख लें या फिर डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके 1.91 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि लेंथ मीटर्स में गिवेन है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है वो कंप्लीट होगा। अब फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर किया है उसी तरीके से आपके पास मजीद सेकंड पार्ट्स भी हैं, तो मजीद पार्ट मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा, वो आपने खुद करने। सेकंड पार्ट आपके से कहा है 3.5 रेडियंस एंगल है और लेंथ आपके पास 7/4 मीटर्स है। अब आपकी मर्जी है 7/4 को पॉइंट में रख के सॉल्व कर लेंगे, आगे चल के पॉइंट में आने ही, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंप्लीफाई आप खुद भी कर लेंगे। आपके पास रेडियस निकालना है, लेंथ है, आपका एंगल है, जो आपको यहाँ पर मैंने काम करवाया उसी तरीके से। यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। तो बहरहाल आपके पास लेंथ 7/4, थीटा 3.5 रेडियंस रेडियन में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। रेडियस डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर्स, ये आपके पास रेडियस बता दिया। थर्ड पार्ट है 1/4 रेडियंस, एंगल गिवन है, 4 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, तो रेडियस का आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। वैल्यूज उसी तरीके से पुट होंगी, एल अपॉन थीटा, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा इसका रेडियस। नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट जिसमें आपको थीटा 180 डिग्री गिवन है
180 डिग्री को आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पाई रेडियंस है, या फिर अगर किसी को मसला है तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह आप वैल्यू जिस तरह यहाँ पर पुट करवाई, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है, वैसे कर लें। आपके ऊपर छोड़ दिया, डिटेल स्टेप करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, जल्दी से काम करना चाह रहे हैं एक स्टेप में, डायरेक्ट हवाला दें सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और अगले स्टेप में पाई रेडियन आंसर लिख लें। वैल्यू आप सिंप्लीफाई करें, लेंथ आपको गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 डिवाइडेड बाय आपका जो पाई वैल्यू है, पाई कैलकुलेटर से डायरेक्ट पुट कर लें, आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.9 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपके जितने भी पार्ट्स थे, जाहिर मैं करवाऊंगा सारे नहीं, लेकिन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आंसर सबके साथ साथ बता दिए, यहाँ तक जितना भी काम अभी मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 3 का, वो एक ही फॉर्मूले को आप रोटेट करके सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जितने भी रह गए क्वेश्चंस वो आपके होमवर्क हैं, बाकी जो भी हमने डिस्कस किया उसमें किसी भी कंफ्यूजन। चले बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है फाइंड द आर्क लेंथ। तो अब तक जो आप लेंथ, जिसको मैंने कहा था सर्कमफेरेंस की लेंथ है, बेसिकली उसको आर्क लेंथ भी कहा जाता है। आर्क और सर्कल में फर्क क्या है? आपके पास कोई भी, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, एक सर्कल लेट सपोज ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल आपके पास है, ये किसी पॉइंट से स्टार्ट होके जब उस पॉइंट पे वापस आता है तो उसको कहा जाता है कि ये पूरा सर्कल है। जब किसी पॉइंट से स्टार्ट होके उसके आधे हिस्से तक पहुंचता है, यानी सर्कल बना तो रहा है लेकिन आधा सर्कल बना रहा है, उसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, लेकिन ये सारी की सारी आर्क कहलाती है। फ्रॉम अ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसी ना किसी फिक्स पॉइंट से ड्रॉ हो रहा होगा, तो जिस भी फिक्स पॉइंट से ये ड्रॉ हो रहा है, उस फिक्स पॉइंट से लेके जो भी ये डिस्टेंस कवर करेगा उसे आप कहते हैं आर्क लेंथ। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास रेडियस है और जो लेंथ इसने कवर की वो बराबर हो जाए रेडियस के, यानी कि एल इज इक्वल टू आर हो जाए, तो उस सूरत में आप इसको कहते हैं कि ये आपके पास 1 रेडियन के बराबर आंसर देगा। तो बहरहाल आपके पास ये जो आर्क लेंथ, आर्क का मतलब कोई भी कर्व, कोई भी कर्व जो कि कंप्लीट सर्कल में नहीं बना। आपके घर में अगर कोई दीवार ऐसी है जिसमें इस तरीके की शेप आ रही है तो उसको हम कहते हैं आर्च, ठीक है, आर्च कहते हैं, बेसिकली वो आर्क होती है, लेकिन हमने क्योंकि थोड़ा सा उसको लेमैन टर्म में कन्वर्ट कर दिया, आर्च बोलने में मजा भी आता है तो हम कहते हैं उसे आर्च, लेकिन वो बेसिकली आर्क होती है। आर्क क्या है? वो आपके कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्व हमेशा बनता है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, और वहां से लेके उस कर्व तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस। तो आर्क लेंथ का मतलब क्या है? वो कर्व्ड लेंथ जो के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर हुआ। अब आ जाए इधर सवाल में आपसे कहा है, अब जब भी आपके पास आर्क लेंथ का वर्ड यूज होगा इसका मतलब लेंथ ऑफ दैट सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस तो पूरा होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर है, लेकिन अगर कुछ हिस्सा है उसका तो उसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। अब सवाल में क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का आर्क लेंथ चाहिए, यूनिट सर्कल का मतलब यह है कि उसका जो रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा। किसी भी सर्कल को अगर हम यूनिट सर्कल कहेंगे, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, यूनिट का मतलब 1। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस अगर पड़े हैं तो उसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स होता था, यूनिट मैट्रिक्स में आप 1 वैल्यू रखते थे, 1001 आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होता था। अगर उसकी जगह 1 की जगह कोई और नंबर हो जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाता, ये मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ा है। तो जब भी यूनिट सर्कल की बात आएगी तो रेडियस आपका हमेशा 1 यूनिट के बराबर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। 1 यूनिट क्या है? अब रेडियस की यूनिट तो यहाँ मेंशन नहीं है कि ये सेंटीमीटर है, फिट है, मीटर्स है, क्या है, तो हमें यूनिट नहीं पता, तो हम इधर यूनिट लिखेंगे सिर्फ। अगर सवाल में मेंशन होता सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखते हैं, मीटर होता तो मीटर लिखते हैं। बहरहाल अब उसके बाद आप हवाला देंगे सेंस आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर किसी को ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लिख दें सेंस आर्क लेंथ इज, तो स्टेटमेंट वाइज काम कर लें। तो बहरहाल एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर क्या है 1, थीटा क्या है 30 डिग्री। अब मैंने इतनी देर से आपको जब से ये एक्सरसाइज हुई है एक ही बात बता रहा हूँ, एंगल शुड बी ऑलवेज इन रेडियंस।
डिग्री है कन्वर्ट कर दें, रेवोल्यूशन है कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट कर दिया। आपके पास 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, पाई बाय 6 यूनिट आंसर आएगा। पाई बाय 6 रेडियन नहीं है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, लेकिन यहाँ पर जो आप निकाल लें वो लेंथ निकाल लें। इधर भी अगर एल लिख लें लेंथ के एब्रिवेशन तो बेहतर है। तो यहाँ पर बेसिकली आप निकाल लें लेंथ, तो लेंथ की यूनिट रेडियन थोड़ी होती है, लेंथ की यूनिट होती है या तो सेंटीमीटर या मीटर, वही यूनिट होगी जो रेडियस की होगी। तो क्योंकि रेडियस की यूनिट कोई मेंशन नहीं है तो लेंथ की भी यूनिट कोई मेंशन नहीं है, जो रेडियस की यूनिट होगी वही लेंथ की भी यूनिट होगी। अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो लेंथ भी आपका सेंटीमीटर में, रेडियस अगर मिलीमीटर में लेंथ भी मिलीमीटर में होगी। जो यूनिट रेडियस की है वही यूनिट लेंथ की भी होगी। ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट 45 डिग्री, डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है। यहां पर आपको इधर कहा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, आंसर 30 डिग्री का डायरेक्ट आपने याद किया पाई बाय 6। तो 45 डिग्री का डायरेक्ट आंसर अगर मैं कहूँ तो वो पाई बाय 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 60 डिग्री, 60 का पाई बाय 3, 90 का आंसर पाई बाय 2। तो इन सबका अगर आप सोल्यूशन करेंगे, पहले आपको एंगल कन्वर्ट करना है सेकंड पार्ट, जैसे कि 45 डिग्री कन्वर्ट करना है। स्टेप सारे वही हैं जो अभी मैंने आपको करवाए, सिर्फ एंगल क्या होगा 45। 45 को आप यहाँ पर हवाला देकर डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर 30 को कन्वर्ट किया, कि 45 होता है पाई बाय 4, यानी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 4, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपके पास पाई बाय 4 यूनिट आएगा। सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कर लें, 0.785 यूनिट आंसर आएगा। 60 डिग्री थर्ड पार्ट है, 60 डिग्री, 60 डिग्री को उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 60 डिग्री का आंसर आएगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 का आंसर सिंप्लीफाई करेंगे 1.05 यूनिट आंसर आएगा, 1.05 इसकी लेंथ हो गई। फोर्थ लास्ट पार्ट है इस सवाल का, 90 डिग्री, पाई बाय 2 होता है आंसर पाई बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.57 अप्रोक्सीमेटली यूनिट आंसर आएगा इसकी लेंथ का। ये सारे के सारे सवालात मैंने सिर्फ एक करवाया, बकिया तमाम आपने घर पे एज अ होमवर्क क्वेश्चन करने, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपको ये करवाया सिमिलरली सारे वैसे ही होंगे, सिर्फ कैलकुलेटर का और थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल है। कैलकुलेटर का ज्यादा इस्तेमाल कर लें, अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, ज्यादा दिमाग को इस्तेमाल भी ना करें। जहन ज्यादा इस्तेमाल करने से जहनी बीमारियां होती हैं, तो जो मेथड करवाया उसी तरीके से काम कर लें। ये सिंपल सा काम है, जिस तरह से करवाया बाकी पार्ट भी वैसे ही होंगे। बहरहाल मैंने आज जितने भी सवाल करवाए हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज ये जितना भी काम है वो आपने घर पे होमवर्क के तौर पे, जो नहीं करवाया वो करना है। क्लियर है यहाँ तक?